तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुके 2024 की स्टे टर्न रॉयल एनफील्ड स्टे क्लासिक, यानी कि क्लासिक 350 का 2024 मॉडल, जिसमें आपको बहुत सारे नए चेंजेस, बहुत सारे नए बदलाव और साथ ही साथ इसकी कीमत पहले से बढ़ चुकी है। तो गाइस, अगर आप लोग भी 2024 में क्लासिक 350 का लेटेस्ट मॉडल लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा, क्या चेंजेस हैं, क्या प्राइस देखने को मिलता है इस मॉडल का, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक। में दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसमें आपको टोटल 7 कलर मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि नए कलर ऑप्शन मैंने बताए हैं। इसमें रेडिच ग्रे, रेडिच रेड और एक और कलर है जो कि पहले आती थी, वो भी देखने को मिलता है, हेलिकॉन ग्रीन कलर। लेकिन इसमें टोटल एक्स्ट्रा जो कलर ऐड हुए हैं वो 7 कलर हुए हैं। ये जो कलर है ना, इसे हम लोग क्रोम ग्रीन कलर बोल सकते हैं। तो गाइज, इसकी जो एक्सरूम प्राइस है वो है 2,25,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस इस कलर की। ऑनरोड प्राइस के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, ऑनरोड प्राइस हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसका लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस कलर के साथ इसका जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस टाइप मिलता है, क्रोम एंड ग्रीन कलर में ये बाइक मिलती है। यहाँ पे आपको कॉपर कलर में यहाँ पे आपको बॉर्डरिंग मिलती है, जो कि काफी प्यारी है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है 3D वाला। और अब आते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट लुक बिल्कुल नया मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करेंगे तो पहले यहाँ पे जो पायलट लैम्प मिलता था ना, वो बल्ब मिलता था येलो कलर में, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे LED पायलट लैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। लेकिन हाँ, हेडलैम्प का जो लुक है ना, वही क्लासिक, यहाँ पे आपको कैप मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे तो आरी की बैचिंग, लेकिन LED हेडलैम्प मिलता है। पहले इसमें आपको हाइलोजन बल्ब मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे कि जो पहले जो टर्न इंडिकेटर था ना, वो हाइलोजन मिलता था, यानी कि बल्ब मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे LED टर्न इंडिकेटर विथ हैजार्ड लाइट के साथ। तो गाइज, जो लाइटिंग की जो सेटअप है ना, इस मॉडल में बिल्कुल चेंज हो चुकी है 2024 वेरिएंट में। और अब आते हैं फ्रंट मिडगार्ड में, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट मिडगार्ड काफी अच्छा सा क्रोम एंड ग्रीन कलर मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है। फ्रंट सस्पेंशन पे आते हैं, देखते हैं कि फ्रंट सस्पेंशन में कोई चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वही सेम आपको पहले वाला ही मिलता है, जो कि आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिल जाती है, जिसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस, सस्पेंशन के मामले में इसमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिलता, वही सेम आपको मिलता है, जिसमें आपको 41mm का फॉर्क, 130mm का ट्रैवल मिल जाती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, बाइबर का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक जो मिलेगा उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में आपको मिलेगा ट्विन पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज 300mm का डिस्प्ले के बीच में। देखिए, इसकी चेन लगाई है। और जो फ्रंट टायर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 100/90 का 19 इंच का ट्यूब टायर मिलेगा स्पॉक व्हील के साथ। तो आपको एक चीज बता दें, इसमें आपको जो सबसे टॉप मॉडल आता है ना, जो डार्क ब्लैक कलर आती है, उसमें अराइवल मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको स्पॉक व्हील मिलती है ट्यूब टायर के साथ, C8 का टायर मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस, फ्रंट सेक्शन में आपको लगभग कोई चेंजेस नहीं मिलता, वही सेम देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इस कलर के साथ इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, कुछ इस टाइप मिलता है, जो कि मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर आप लोग क्रोम लवर है ना, आई एम सॉरी, इसका ये कलर काफी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे, पहले जो क्लच एंड ब्रेक लीवर मिलता था ना, वो नॉर्मल मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको क्लच एंड ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अपने फिंगर साइज के हिसाब से इससे आप लोग मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हैंडल बार पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंडल बार पे इंफो स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच मिल जाता है। यहाँ पे राइट हैंडल बार पे इंजन ऑन ऑफ स्विच, हजार लाइट जलाने के लिए स्विच देखने मिल जाती है। सेम आपको एक्सीलेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोम की प्लेटिंग। और अगले चेंज की बात करते हैं, जो कि हैंडल बार में ही मिलता है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले जो यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट मिलता था ना, ये आपको USB मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाते हैं, जो कि अब लगभग सभी मतलब फोन में सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। तो अपडेट करके यहाँ पे आपको सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलता है ना, बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको टाइम, हेलमेट रिमाइंडर और साथ ही साथ ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल देखने को मिल रही है। तो इस बाइक में अब आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम एड ऑन हो चुका है 2024 मॉडल में। तो इस मॉडल के साथ ये जो फीचर्स मिले, आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं मीटर कंसोल के बाद फ्यूल टैंक पे, तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है वही सेम क्लासिक वाला मिलता है, रेगुलर वाला। यहाँ पे आपको कैप मिल जाता है, कॉपर एंड ग्रीन कलर में इसकी बॉडी मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे रॉयल एनफील्ड का 3D लोगो, जो कि काफी बेहतरीन लगती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही भी सेम देखने मिलती है। और अगर हम आते हैं इंजन के ऊपर,
और साथ ही साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताते हैं कि क्या फ्यूल टैंक कैपेसिटी चेंज हुई है। तो आपको एक चीज बता दें कि जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना वही सेम 13 रीडिंग मिलती है। इंजन पे आते हैं तो आपको एक चीज लगेगा कि इंजन अपडेट हुआ है, लेकिन आपको बता दें इंजन बिल्कुल अपडेट नहीं मिलता है। वही सेम आपको जे सीरीज का इंजन मिल जाता है जो कि आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक एयर ऑयल कूल BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। ओडी ट्यूशन से मैक्स पावर जो मिलेगा वो मिलता है 20.2 BHP का 6100 RPM पे, मैक्स टॉर्क 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पे, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सिस्टम, और यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड बॉडी क्रोम में मिलती है जिसपे आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं सीट के ऊपर तो यहाँ पे गाइस देखेंगे सीट जो है ना वही सेम स्प्लिट सीट मिलती है। कुशनिंग जो है राइडर सीट काफी अच्छी है। पिलियन राइडर सीट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि पहले से और ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। यहाँ पे पिलियन ग्रेविल मिल जाता है, पाइप वाला सिंपल वाला जो कि पहले मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रेविल जिससे बाइक को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। पिलियन फुटेज, लेडी फुटेज, सारी गार्ड, हाफ कवर चैन मिलता है जो कि आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिल जाती है। रियर प्रोफाइल पे आएंगे तो रियर से इसका जो लुक है ना कुछ इस टाइप मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रॉयल एनफील्ड का बैचिंग मिल जाता है कॉपर एंड ब्लैक कलर में जो कि काफी कॉपर एंड ग्रीन कलर में जो कि काफी प्यारा लगता है। टेल लाइट LED मिलती है, टर्न इंडिकेटर LED मिलती है, रियर प्रोफाइल कुछ इस टाइप मिल जाता है, राइड करते समय कुछ इसका लुक इससे टाइप मिलेगा। और अगर हम आते हैं रियर सेक्शन में तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गाइस इसका जो रियर ब्रेक मिलता है इसमें आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक की सपोर्ट मिल जाती है जो कि आपको सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है जिसकी साइज जो है ना वो है 270 mm का। इसमें आपको ABS की चैन देखने को मिल जाती है क्योंकि डुअल चैन ABS के साथ आती है। और जो रियर टायर मिल रहा है इसमें आपको मिलेगा 120/80 का 18 इंच का ट्यूब टायर मिलेगा स्पॉक व्हील के साथ। सस्पेंशन आप देखेंगे तो सस्पेंशन वही सेम आपको ट्विन ट्यूब एम्बुलेशन शॉक एब्जॉर्ब विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, टायर साइज वही सेम मिलता है, कोई अपडेट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं क्रोम में मिलता है और मुझे लग रहा है ना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है ना पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो गाइस इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो थोड़ा सा मुझे पहले से और ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग को इसका एग्जॉस्ट साउंड चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो आपको बता दें इस कलर का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2,58,000 टू 2,59,000 के बीच में आपको ये मॉडल कंप्लीट देखने को मिल जाएगा यूपी वाराणसी में। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, इसके चेंजेस बता देते हैं जल्दी जल्दी। तो LED टर्न इंडिकेटर, LED पायलट लैम्प, LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर, सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम, प्राइस चेंज हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, यही सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है, ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस इतने सारे चेंजेस के साथ 2024 में क्लासिक 350 को फिर से लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो आप लोग बताना कि ये सारे चेंजेस के बाद ये जो बाइक है आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने तरफ एक लाइक जरूर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।